Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सुमन गोस्वामी प्रेजेंट हो गया फ्रेंड्स. 15 अगस्त के लिए जो गिव अवे करने का हमारा प्रोग्राम है उसका मैं कुछ आपको व्यूज दिखाता हूँ. यहाँ पे ये पतंग बिखरी पड़ी हुई है फ्रेंड्स. ये सारी पतंगे जो है दी जाएंगी और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पतंगे रखी हुई है. बहुत खूबसूरत शानदार पतंग, एक से बढ़कर एक. ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है और इसमें कन्ने वगैरह सारे बंधे हुए हैं. ये सब फ्रेंड्स जितने भी आप पतंग देख रहे हैं इन सब में जो है कन्ने बंधे हुए हैं और कन्ने बात करके हम जो है बच्चों को पतंग दे रहे हैं. और एक एक पतंग जो है बहुत खूबसूरत है ये. तो फ्रेंड्स हमने छोटे बच्चों के लिए पूरा एक ये लॉट बनाया हुआ है और एक यहाँ पे भी पतंग आप देख सकते हैं. ये भी गिव अवे करना है. ये बीकानेर से आई थी. 100 काइट्स ये हैं और 250 काइट्स ये हैं और उसके अलावा जो है आपके 250 काइट्स यहाँ पे रखे हुए हैं. ये सारा ये जो पतंग आप देख रहे हैं उधर वाली वो सारी की सारी जो है आपकी फरुखाबाद की है. और ये पतंग हमने दिल्ली में राजौरी गार्डन से ली है ये वाली पतंग. और ये बीकानेर से थी और उधर भी फरुखाबाद की पतंग रखी हुई है. और ये जो बिल्कुल ये सामने ग्रीन वाली और ब्लू वाली पतंग है देखने प्लेन, ये सब जो है मुरादाबाद की पतंग है. अभी कुछ पतंग हमारे पास मुरादाबाद से और आने वाली है, बरेली से भी आने वाली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. और ये देखिए हमने किस तरह से अपने वॉल को डेकोरेट कर दिया. ये हम रूम में इसलिए वीडियो बना रहे हैं आज क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है फ्रेंड्स. लास्ट 24 आवर्स से बिल्कुल नॉन स्टॉप बरसात हुई है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है. तो इसीलिए हम लोग जो है कमरे के अंदर इनकी पैकिंग करेंगे. और वहां पे भी मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि वो चरखियां, छोटी छोटी चरखियां जो है बच्चों के लिए है. और इस तरह की जो है हम लोगों ने अभी काफी सारी चरखियां और आने वाली है पर बारिश की वजह से वो सब रुकी पड़ी हुई है. वो सब आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सारी पतंगों को जो है हम लोग पॉलीथीन के अंदर पैक करके यहाँ आसपास के जो बस्ती में गरीब बच्चे होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये जो गरीब बच्चे होते हैं इनके लिए कोई भी कुछ करने वाला नहीं होता है और उनके लिए भी त्योहार उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हम लोगों के लिए होता है. तो मैंने इसीलिए सोचा फ्रेंड्स हम जो है उनकी बस्तियों में जा करके कुछ इस तरह का गिव अवे करेंगे. और कुछ पार्क में भी बच्चे हमारे को मिल जाते हैं, वो भी पतंग वतंग उड़ाते रहते हैं, छोटे छोटे गरीब बच्चे होते हैं ये. तो उनके लिए हमने यही सब सोचा हुआ है. हमारा प्रोग्राम इस बार का ये है कि छोटे गरीब बच्चों को गिव अवे किया जाए. और उसके अलावा जो हम एक गिव अवे और भी कर रहे हैं वो आप लोगों को मालूम ही है और वो हम लोग एक कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं. उस कॉन्टेस्ट के अंदर जो विनर होता है उसको पूरा 100 काइट्स दिया जाता है एक बैग के अंदर डाल करके और 6 रील का मांझे का चरखी. और इस तरह से हम लोग 3 कॉन्टेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे. एक ऑलरेडी हो गया है, 2 बाकी है वो भी करवा दिया जाएगा. तो उसका भी गिव अवे कर रहे हैं. तो टोटल जो गिव अवे है इस बार का वो 1000 काइट्स का है फ्रेंड्स. जी हाँ, आपने सही सुना, 1000 काइट्स का. ये सारा मिला करके टोटल जो नंबर ऑफ गिव अवे है वो 1000 का है. और हम ये देखिए पॉलीथीन का जो थैला है, ये पॉलीथीन की थैले आ गए हैं. इन्हीं थैलों के अंदर पैक किया जाएगा ये सारे के सारे. ये पॉलीथीन के थैले के अंदर पैक किया जाएगा और ये पैक करके तुरंत एकदम डिस्ट्रीब्यूट करना हम शुरू कर देंगे. तो फ्रेंड्स मेरा ये काइट कलेक्शन जो आप लोगों ने गिव अवे का देखा, इवन हमने जो वॉल पे जितनी भी आप पतंग देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सारी की सारी जो है ये होममेड काइट्स है. ये सब मैंने खुद अपने पास बनाई है. ये मार्केट की एक भी पतंग नहीं है. इवन ये सब जो आप पतंग देख रहे हैं ये ब्लैक जैंगो ये बहुत खतरनाक पतंग है. और ये सब पतंग भी यहाँ पे वॉल पे लगी हुई है. तो इसके अलावा भी जो होममेड काइट्स है वो बहुत बहुत ज्यादा नंबर में है. मैंने कितनी होममेड काइट्स बनाई है मेरे को खुद याद नहीं है लेकिन वो इधर उधर सब स्टोर रूम में बिक्री पड़ी हुई है. तो फ्रेंड्स ये सब पतंग छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइन, आपको कार्टून वाले डिजाइन कैसे लगे आप ये भी देख सकते हैं. और ये भी देखिए ये सब कार्टून वाले डिजाइन आपको कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताना. और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. मेरे चैनल का नाम है गाइड प्लेयर सुमित गोस, यही ना. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.